क्या नाम आपका? नीलम। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ? हाँ सर, घटना घटी है अरुण कुमार ने। कहाँ के रहने वाली हैं आप? गोसाईपुरा। अच्छा, गोसाईपुरा किस थाने का आता है? जायस। जायस थाने में आता है। क्या घटना घटी है आपके साथ? अरुण कुमार हमका ब्लैक लाइट है। अरुण कुमार कौन है? अस्तानगर के। अच्छा, इनको जानती थी आप? हाँ जी। अच्छा, अरुण कुमार के पिताजी का क्या नाम जानती हैं? नहीं जानती। हाँ तो बताइए, क्या किया इन्होंने अरुण कुमार ने आपके साथ? अरुण कुमार ने करे हमारे साथ कि चलो नीलम हमारे साथ, तुम्हारे साथ शादी करवाए। तो हम कहा कि हम ना करवाए, कहीं की नहीं हम करवाए। तो फिर काका दिया टेबल पर लाए, बुलाए गए तो टेबल पाए। टेबल कहाँ था? गांव एक तालाब था, तालाब के बगल गांव में ही है जी, गांव बाहर। अच्छा अच्छा, उसके बाद? उसके बाद अरुण भी हमारे साथ गलत काम किए। अरुण कुमार फिर हमको शादी के मतलब कि शादी के बहाना कहेंगे कि तुम्हें साथ शादी करवे, चलो हमारे साथ। तो हम गए उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके गए प्रधान के पास। प्रधान कौन? प्रधान जय प्रकाश त्रिपाठी। अच्छा, ये कहाँ के प्रधान है? मोहना। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर प्रधान रखे रहे रात भर। कहाँ रखे थे? कमरा पे। ये कमरा कहाँ? कमरा गांव में राह बरेली में है सर। अब मुझको नहीं पता कहाँ पे है गांव। हाँ, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर उनका रात भर रखे रहे, रात भर उन्होंने गलत काम करे हमारे साथ। किसने गलत काम किया? प्रधान। अच्छा, प्रधान ने भी आपके साथ गलत काम किया जी? रात भर गलत काम प्रधान जी ने भी किया है जी। हाँ, उसके बाद? उसके बाद फिर हमका सुबह बैठाए रहे हैं मतलब कि बाहर। तो फिर लेडीज पुलिस के मतलब लेडीज पुलिस बुलाए गए वहाँ रायबली से। आप कैसे मतलब आई अपने घर? फिर प्रधान कहें कि यहीं पे बैठो, हम आपको खाने पीने कुछ ला रहे हैं। तो फिर हम कहा कि जाओ। अच्छा, तो फिर वही गए हमका बैठाए रहे हैं बहाना कहके। फिर वह हमसे कहें हम उनके मतलब कि बहाना कहके निकल गए। वो कहें कि खाना पीना लाने जा रहे हैं, तो हम मौका पाए निकल गए। तो फिर वह कहा लेडीज पुलिस, तो वो मुझको सब लेडीज पुलिस कहाँ मिली आपको? रायबरेली। अच्छा, वहाँ से जब भाग के आए हैं तो लेडीज पुलिस बाहर मिली आपको जी? उसके बाद? तो वो ने सब कुछ हमसे पूछा, तो हम सब बताए। तो मुझको फुर्सतगंज लेके गई। फुर्सतगंज से फिर शाम को दिन भर बैठाए थे, सुबह से लेके गई थी, फिर शाम को घर पे छोड़े आई।